और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये एक वॉर मेमोरियल है। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं बिग बॉय रेस्टोरेंट में। It's a breakfast bar on the weekends, but because of COVID, typically it'll always be open. सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडियानापोलिस इंडियाना। तो कल मैं यहाँ पे आ गया था शिकागो से रात को, तो आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी शिकागो की। तो ये जो है ये कैपिटल है इंडियाना का, और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये एक वॉर मेमोरियल है, और इधर है जो कैपिटल बिल्डिंग है। जो कैपिटल बिल्डिंग होती है वो हमेशा जो स्टेट का जो कैपिटल होता है उसी के ही अंदर आपको कैपिटल बिल्डिंग मिलेगी। मैं आज से पहले भी अलग अलग जो स्टेट में गया हूँ वहाँ की काफ़ी मैंने कैपिटल बिल्डिंग दिखाई हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग हैं डाउनटाउन में, और डाउनटाउन में वॉक करते हैं। और ये जो है मेमोरियल मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा है, तो मैं सोचा हूँ यहाँ पर इसका एक ड्रोन शॉट लेता हूँ, और इसको थोड़ा पहले पास से भी आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। मिस्टर डैरिक हैं जो वो कार में बैठे हुए हैं यहाँ पर, और रखी है बड़ी ज़बरदस्त ठंड। तो ये सिटी है, इसके अंदर काफ़ी सारे म्यूजियम हैं, और काफ़ी यहाँ पे फेमस कुछ पार्क हैं, और एक रिवर जा रही है डाउनटाउन में से। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना हम लोग कवर कर सकते हैं वो दिखाएं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं केंटकी में, और आई थिंक अगर मेरे को जो KFC है दुनिया का सबसे पहला KFC, अगर वो मेरे को पता चल जाता है वो कहाँ पर है, मैं अभी ऑनलाइन सर्च करूँगा तो मैं ट्राई करूँगा जो दुनिया का सबसे पहला KFC है वो कहाँ पे बना था, तो वो वहाँ जाके भी आप लोग को दिखाएंगे। तो फिलहाल तो हम लोग इंडियानापोलिस को हम लोग और डिस्कवर करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं। और ये यहाँ पर एक चर्च है, मैंने हमेशा देखा है जितनी भी चर्च होती है ना डाउनटाउन में तो काफ़ी क्यूट लगती है, काफ़ी हिस्टोरिकल लगती है। तो ऐसे ही मेरे को ये वाली चर्च लग रही है। ऐसी चर्च मतलब मैंने पहली बार देखी थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, उन्होंने ऐसे मतलब यूरोप में घूम रहे थे तब मैंने उस मूवी के अंदर देखा था इस तरीके की चर्च, और मैं सोचा था वाह यार क्या ज़बरदस्त चर्च होती है। बट मैंने यहाँ पर अमेरिका में अभी इतने स्टेट्स में घूमते हुए देखा है कि बहुत सारे स्टेट में इस तरीके की क्यूट चर्च देखने को मिलती है। और ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि मेरे जो हाथ है ना वो बिल्कुल जम गए हैं। मैंने एक्चुअली कार के अंदर हीटर चलाया हुआ था, तो उस टाइम मेरे को गर्मी लग रही थी, मैंने सोचा ही नहीं कि बाहर जाते ही एकदम इतनी ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त ठंड लगने लगेगी मेरे को। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ कार की तरफ, और यहाँ बैठे हुए मिस्टर डैरिक। हेलो मिस्टर डैरिक, हाउ आर यू? I'm wonderful. You're wonderful. Yeah. You are Mr. Wonderful. I'm from Shark Tank. But better looking. एक यहाँ पे है ना टीवी में एक शो आता है जिसका नाम है Shark Tank, तो उसमें एक मिस्टर वंडरफुल है जो किसी को पसंद नहीं आते हैं। Nobody like wonderful. Why? Not me, because he's blunt. Yeah. He says what he thinks. Yep. अभी मिस्टर डैरिक बता रहे हैं यहाँ पे इंडियाना में बिग बॉय काफी ज्यादा फेमस है। It's an American restaurant. American restaurant. It's older than me.
He's old. How old it is? I don't know, but he's old. Okay. I remember him from a long time ago, 30, 40 years. Last time I ate at Bob's Big Boy. But now it's not called Bob's Big Boy. It's called something else Big Boy. But it's the same Big Boy. Okay. He just moved. So it's like McDonald's kind of restaurant? No, or? It's a sit-down restaurant. Sit-down restaurant. Yep, yep. तो चलो अभी हम लोग चलते हैं एक रेस्टोरेंट में जिस पे मिस्टर डेरिक बता रहे हैं काफी टाइम पहले व्हेन यू ईट लास्ट टाइम ओवर मेबी 30-35 इयर्स अगो मेबी ओह मिस्टर डेरिक ने वहां पे खाया था 30-35 इयर्स बिफोर नॉट एट दिस रेस्टोरेंट ओके बट एट बिग बॉयज यू नो इट्स अ मीन सेम या इट्स अ फ्रेंचाइज या तो चलो yeah. आज आप लोग को एक नया रेस्टोरेंट दिखाते हैं जिसका नाम है बिग बॉय मैंने भी आज से पहले कभी नहीं खाया है वहां पे तो ये हम लोग पहुंच गए हैं बिग बॉय रेस्टोरेंट में और आज से पहले मैंने कभी इसका नाम भी नहीं सुना है ना ही मैंने कभी खाया है बट ये काफ़ी यहाँ पे मिस्टर डेरिक बता रहे हैं फेमस है काफ़ी बड़ा साइन वहाँ लगा हुआ है Still is. It's a breakfast bar on the weekends, but because of COVID, typically it'll always be open, but right now it's not because of COVID. And how much that buffet cost? $8.99 for all you can eat. Yeah. Who had a side of mashed potatoes with their dinner? Okay. Some salt and pepper, and the rest must be yours. Yes, ma'am. Okay. That's it. तो अभी हम लोग आ गए हैं खाना खा के जो मेरा खाना था मुझे काफी अच्छा लगा मिस्टर डेरिक से पूछते हैं हाउ वाज योर फूड वाज नॉट गुड नॉट गुड नॉट गुड सो व्हेन यू हैड इट 30 इयर्स बिफोर दैट टाइम इट वाज गुड और नॉट एज आई रिमेंबर इट वाज गुड या तो मिस्टर डेरिक जो है उनको खाना अच्छा नहीं लगा बिग बॉय का जो बट मैंने खाया मेरे को काफी अच्छा लगा तो ये था भैया बिग बॉय
अभी हम लोग पहुंच गए हैं कॉर्बिन केंटकी में, और ये प्लेस जो फेमस है केएफसी के लिए, ये है केएफसी का बर्थ प्लेस, और जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा केएफसी का रेस्टोरेंट कहां से स्टार्ट हुआ था केएफसी वगैरह सब चीज़ें। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलो, और प्लीज़ जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो यार। तो चलो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, और जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो के एंड में बोलता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।